रोको रोको मोदी जी, अपने भैंसे को रोको, यहीं पर रोक लो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है? अरे आगे बढ़े चले आ रहे हो मोदी जी, अपना भैंसा लेके पीछे देखो योगी जी है। जी बोलो योगी सर जी, अब क्या बात हो गई? पहले मैंने ऑटो रिक्शा लिया, उससे तुम्हें दिक्कत हुई, उस पर तुमने चालान काट दिया तो उसे मुझे बेचना पड़ा। उसके बाद मैंने बस खरीदी, उस पर भी तुमने चालान काट दिया, वो भी मुझे बेचना पड़ गई। फिर मैंने दो बैल खरीदे थे, बैलगाड़ी चलाता था, उस पर भी चालान काट दिया तुमने, उन बैलों को भी मुझे बेचना पड़ गया। अब ये मैं भैंसा खरीद के लाया हूँ, भैंसा गाड़ी बनाऊंगा, अब क्या दिक्कत है तुम्हें? अभी तो मैं भैंसा लेके घर भी नहीं पहुँचा हूँ, क्या रास्ते में ही चालान काटोगे मेरा? हाँ मोदी जी, तुम्हारे भैंसे का चालान काटना पड़ेगा, मुझे काटना पड़ेगा, काटना जरूरी है। किस लिए? अब क्या गलती कर दी मेरे भैंसे ने, बताओ क्या बात हो गई? तुम अपने इस भैंसे को अपने पास नहीं रख सकते, अभी तुम रास्ते में ही हो, अभी घर तक नहीं पहुँचे हो, हमें खबर मिली है तुम अपने इस भैंसे को मार बहुत रहे हो डंडे से। अरे मैं पिछले गाँव से इसे खरीद के ला रहा हूँ और इसके ऊपर बैठ के आ रहा हूँ, ये भैंसा अपने पिछले वाले मालिक को छोड़ के आया है तो थोड़ा गुस्से में है, सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, घर मेरे आना नहीं चाहता, इसीलिए इसे एक दो डंडे मार के लाया हूँ। लेकिन मेरी छोटी से छोटी बात को आपको कौन बता देता है? ये जरूर इस राहुल का काम होगा। अरे मेरा कोई काम नहीं है मोदी जी, मैंने बिल्कुल नहीं बताया है नहीं योगी जी को। अच्छा वो सब बात छोड़ो, ये बताओ तुमने अपने इस भैंसे को मारा नहीं है? जब ज्यादा भैंसे को मारोगे तो पुलिस तो आ ही जाएगी। अरे भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक दो डंडे हल्के हल्के से मारे हैं, क्योंकि ये अपने घर को छोड़कर मेरे घर नहीं आ रहा था। एक बार ये बीच रास्ते में आ गया, अचानक इसने मुड़ के अपने घर की तरफ भाग लगा दी, फिर से मैं लाया, फिर ये भैंसा बिल्कुल मेरे घर पहुंचने वाला था, अचानक मेरे घर से ही इसने भाग लगा दी, फिर अपने पुराने मालिक के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार मैं इसके ऊपर बैठ के आया और हाथ में एक डंडा ले लिया, इसी तरीके से अब इसे ला रहा हूँ अपने घर। अरे भाई मोदी जी, जब ये आपके पास भैंसा रुकना ही नहीं चाहता है तो इसे क्यों खरीद के लाए हो? ऐसा है, अभी ये पिछले मालिक के प्यार को भूला नहीं है, जब मैं इसे बहुत प्यार करूंगा, अच्छी तरीके से इसे चारा खिलाऊंगा, ये मेरे पास रुक जाएगा। आप जाओ, टेंशन मत लो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, हम आज ही से तुम्हारे खेत पर काम करना छोड़ रहे हैं, ये कोई बात है? इतना काम खेत पर कोई कराता है? अरे हमारे सर पर टोकरी पर इतना इतना गोभी लाद दिया तुमने कि हमसे चलना दुश्वार है, मैं तो आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्या कहते हो राहुल? अरे क्या बताऊं योगी जी, मेरे तो सर पर इतना वजन रखा है कि मेरी तो आवाज भी नहीं निकल पा रही है, ऐसा लग रहा है कि सर पर कोई पहाड़ रखा हुआ है। इतना गोभी सर पर कोई लादता है? जितना गोभी ये मोदी जी टोकरी में करवा के हमारे सिर पे रखकर मंडी में ले जाती हैं। राहुल, योगी जी तुम्हें अपने सर पर रखा हुआ गोभी दिख रहा है, लेकिन जो मैं सर पर रखा हुआ हूँ गोभी, उसको देखो, तुम्हारे सिर पे तो मुश्किल से 50-50 किलो गोभी रखा हुआ है, मेरे सर पर तो पूरा एक क्विंटल गोभी रखा हुआ। अरे जब मैं अपने सर पर इतना गोभी ढो सकता हूँ, तुम क्यों नहीं ढो सकते? और ये गोभी कोई तुम फ्री में थोड़ी ढोती हो, अरे 200 रुपए हर दिन मैं तुम्हें दिहाड़ी देता हूँ खेत से गोभी को मंडी तक पहुँचाने के लिए। अरे मोदी जी, ऐसी दिहाड़ी जाए भाड़ में जिसमें 200 रुपए की दिहाड़ी मिले और 1000 रुपए का दर्द हो जाए पूरे जिस्म में, आपकी इस टोकरी को खेत से मंडी पहुँचाते पहुँचाते हमारे पूरे जिस्म में दर्द होने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि इंसानों पे भी ओवरलोड पे चालान कटना चाहिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहला चालान आप ही का कटेगा। लेकिन योगी जी एक बात समझ में नहीं आती, अरे अपना दोनों तो 50-50 किलो गोभी सर पे ले जा रहे हैं, ये देखो पूरा एक क्विंटल गोभी सर पे रख के ले जा रहे हैं, कितनी ताकत है इन मोदी जी के अंदर। अरे वो तो ये राहुल हमें दिखाने के लिए ढोते हैं। दिखाने के लिए मतलब समझा नहीं? दिखाने से मेरा मतलब है, पहले इनके पास गोभी खेत से मंडी तक ढोने वाले पूरे 15 लोग हुआ करते थे, जिनमें केजरीवाल, अखिलेश, लालू जी और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन्होंने उन लोगों से बहुत काम लिया और वो सब काम छोड़कर भाग गए। अब अपना दोनों भी काम छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए ये अपने साथ ही काम करते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं भी काम कर सकता हूँ। फिलहाल मैं तो कल से काम छोड़ रहा हूँ। देखो योगी जी, काम मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो काम को, कल से मैं तुम्हारे ऊपर 25 किलो वजन लादा करूंगा, 50 किलो नहीं लादा करूंगा, लेकिन काम मत छोड़ो। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ बोलो मोदी जी, क्या दिक्कत है? तुमने मुझे अपना चेकअप करवाने के लिए क्यों बुलाया है, क्या दिक्कत है? ये भी योगी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगा, ये आप देखो मुझे क्या दिक्कत है। अरे कुछ तो बताओ, ऐसे मैं किस चीज की दवा दूंगा, कुछ तो बताओ क्या दिक्कत है। कोई छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है।
खाना खाते ही भूख खत्म हो जाती है और पानी पीती प्यास बिल्कुल नहीं लगती। अरे जब खाना खा लोगे तो भूख तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और पानी पी लोगे तो प्यास खत्म हो जाएगी। अरे मोदी जी, डॉक्टर साहब को सपने वाली बात बताओ, सपने वाली। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, इन्हें खुद बोलने दो, मोदी जी को अपनी तबीयत इन्हें खुद बताने दो। कौन से सपने वाली बात बता रहे हैं ये अखिलेश? मोदी जी तुम बताओ। योगी डॉक्टर साहब, मुझे खुली आंखों से सपने दिखती, जैसे मैं इस टाइम देखो सपना देख रहा हूँ कि कोई डॉक्टर मेरा चेकअप करने आए। देखो मुझे खुली आंखों से सपने दिख रहे हैं। अरे मोदी जी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा सच में चेकअप कर रहा हूँ, ये कोई सपना थोड़ी है। यही तो दिक्कत है योगी डॉक्टर साहब, अब आप समझे, ये है हकीकत सब कुछ, लेकिन मुझे खुली आंखों से सपना लगता है कि सपना देख रहा हूँ मैं कोई। और हाँ एक चीज और, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन बिजी हूँ, जैसे मैं बहुत व्यस्त हूँ। अरे मोदी जी अपने आप को तुम व्यस्त और बिजी क्यों समझती हो, दिन भर में कितनी बार खाना खाते हो? ज्यादा नहीं, 20 बार खाना खा लेता हूँ दिन भर में। अरे जब दिन भर में 20 बार खाना खाओगे तो खुद को तो बिजी समझोगे ही तुम, पूरा दिन तो तुम्हारा खाना खाने में निकल जाता है, पूरा दिन खाना खाने में ही व्यस्त रहती हो। क्या पूरा दिन योगी डॉक्टर साहब ही नहीं मोदी जी को देखते रहोगे? हम भी तो लाइन में खड़े हैं, हमें देखो। अभी देखता हूँ राहुल, तुम्हें अभी देखता हूँ, मोदी जी को बस दवा दे दूँ। हाँ योगी डॉक्टर साहब, मुझे दवा बता दो किस मेडिकल पे मिलेगी। अरे आपकी दवा मेडिकल पे नहीं मिलेगी, केजरीवाल की जो परचून की दुकान है उस दुकान पे 2 खट्टी मीठी गोली ले लेना हाजमे वाली, वो ही काम करेंगी तुम्हारी। जाओ जाके वो 2 गोली खा लो, दिन में 20 बार खाए हुआ खाना तभी हजम होगा। बोलो राहुल क्या परेशानी है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है योगी डॉक्टर साहब, मुझे तो बस ये पूछना है कि आपके तरह डॉक्टर कैसे बन सकती हैं? क्या करना होगा इसके लिए, बस यही बता दो, मुझे यही पूछने आया था। डॉक्टर कैसे बनते हैं ये मैं 20 साल बाद बताऊंगा, तभी आना मेरे पास। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस गांव के बस स्टैंड पे बस के लिए इंतजार बहुत करना पड़ता है, पूरे 2 घंटे से बैठे एक भी बस नहीं आई है। वैसे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो आप? अरे आप किससे पूछ रहे हो बताओ तो, किससे कह रहे हो? अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो मेरे बराबर में बैठी, उनके बराबर में जो बैठी है चश्मा लगाए, जैसे मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ। अच्छा मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे? हाँ भाई साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ, मामा के यहाँ पर कुछ दिन मेहमान ही खा के आऊंगा वहीं पे। और भाई बराबर वाले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? वो तो चलो मैं बात को बताऊंगा, पहले ये बताओ मुझे तुम्हारा चेहरा कहीं पर सुना हुआ लग रहा है? मुझे भी तुम्हारा आवाज कहीं पर देखा हुआ लग रहा है। मैं दूर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ से एक भैंस खरीद के लाना है। इससे तो मैं पैदल निकल लेता तो अब तक पहुँच जाता, 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बस नहीं आई है। तो इंतजार कर ही क्यों रहे हो, निकल जाओ, जाओ पैदल निकल जाओ, अभी भी कोई बस का भरोसा नहीं है, कब बस आए? अरे भाई लास्ट वाले भाई साहब जो लास्ट में बैठे हो, मेरा बैग आप ही की तरफ रखा हुआ है, उसका जरा ध्यान रखना। वैसे बैग में है क्या? बैग में बता दो, बैग बहुत भारी है तुम्हारा, अभी मैंने उठा के देखा। अरे दूसरे का बैग उठा के क्यों देखती हो तुम, क्यों उठाया तुमने मेरा बैग को? अरे आपका बैग बिल्कुल मेरे पैर पर रखा हुआ था, मैंने अपने पैर पर से हटाया है तुम्हारे बैग को। वैसे है क्या बैग में? अरे बैग में क्या है मैं क्यों बताऊं तुम्हें, कहां पर जा रहे हो? मैं भी आपको क्यों बताऊं मैं कहां जा रहा हूं, जहां मेरा मन हो जाता है मैं तो बाहर निकल पड़ता हूं। फिलहाल तो मैं कश्मीर जा रहा हूं, कश्मीर में बर्फ पड़ी है, वहां पर बर्फ देखने। और भाई लाल टोपी वाले भाई साहब आप कैसे चुप बैठे हो, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो? मैं सफर में बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करता हूँ, आजकल का माहौल बहुत खराब है, बहुत सावधानी से चलने का काम है। वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, मत बताओ कि तुम आगरा जा रहे हो, मत बताओ किस जगह जा रहे हो। मैंने भी तो तुम सब लोगों से पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने खुद नहीं बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ किसी अनजान आदमी को। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।